हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल सिन्हा एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल सिन्हा एजुकेशन। आज हम लोग क्लास नाइन्थ के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, द सेल। आखिर ये क्या है, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को। ये कहानी है बिफोर 16th सेंचुरी की। उस टाइम रॉबर्ट हुक नाम के एक इंसान थे जो एक राजा के नीचे काम किया करते थे। उन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया था, एक मशीन को डेवलप किया था जिसको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के नाम से जाना जा सकता है। यानी वेल डेवलप माइक्रोस्कोप नहीं, यानी एक ऐसी चीज जो किसी भी चीज को थोड़ा सा बड़ा करके इनलार्ज करके दिखाए। तो राजा ने आदेश दिया उनको कि जाओ, आज के बाद इस राज्य में जितने भी इंसेक्ट हैं उनको आपको बड़ा करके देखना है और उसके बारे में स्टडी करना है और आपको बताना है। तो रॉबर्ट हुक बहुत क्यूरियस नेचर के थे, उन्होंने तो इंसेक्ट के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, साथ साथ और भी चीजों को देखना स्टार्ट किया कि मेरे आसपास जो है उनको देखना स्टार्ट किया कि आखिर उसमें क्या है। गलती से उन्होंने कॉर्प को देखा, उसके अंदर उनको दिखा कि छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर, मानो ये खाली रूम में कोई रहता होगा, जो रूम अभी खाली है। तो उन्होंने इसी टर्म को, उस छोटे रूम को टर्म को नाम दिया क्या, सेल। सेल का मतलब ये होता है लिटिल रूम। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब लिटिल रूम होता है, तो वहीं से सेल का डेफिनेशन स्टार्ट हो जाता है। जब रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था तो वो एक डेड सेल था जिसके अंदर सारा लिविंग मटेरियल क्या था, ऑलमोस्ट वैकेंट था। वो टोटल बस एक उसका सेल वॉल ही प्रेजेंट था, इसीलिए कॉर्क में वो सेल यानी वैकेंट रूम की तरह दिखा। जाकर इस सेल की डिस्कवरी, लिविंग सेल की डिस्कवरी जिन्होंने की थी वो थे एंटोन लियोन हुक। सबसे पहले जिस सेल को जिसने देखा था वो कौन थे, रॉबर्ट हुक। कौन सी ईयर में, 1665 में। उसके बाद एंटोन लियोन हुक ने लिविंग सेल को देखा 1674 में। अगर क्वेश्चन आ जाए हु डिस्कवर्ड द सेल, तो वहां आंसर रॉबर्ट हुक आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आए हु डिस्कवर्ड अ लाइव सेल, तो वहां आंसर देंगे एंटोन लियोन हुक। इस चीज को ध्यान देंगे। सेल का डेफिनेशन क्या है, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे बेसिक यूनिट होता है। जैसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, अगर मैं एक बिल्डिंग को इमेजिन करूं तो उस बिल्डिंग में सबसे जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो एक ईंट है। यानी उस ईंट, उस ब्रिक्स से ही मिल के एक दीवार बनी होगी, उस दीवार से मिलकर वो रूम बना होगा, उन रूम से वो पूरा का पूरा बिल्डिंग बना होगा। वैसे सेल को अज्यूम कर सकते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म कैसे बना होगा, छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होगा। आपको पता होगा छोटे छोटे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर एक ऑर्गेनिज्म। वैसे ही इसको याद रखना आपको, इसमें ईयर आपको याद रखना है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था जो एक डेड सेल था, जो बार्क ऑफ ट्री। कॉर्क क्या होता है, यानी पेड़ की जो छाल होती है उसमें वो कॉर्क पाया जाता है। सेल इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स लिटिल रूम, यानी सेल लैटिन लैंग्वेज एक होता है जो जिसको डेड लैंग्वेज भी कहते हैं, और उसका मतलब ही लिटिल रूम होता है। इन 1674 एंटोन लियोन हुक डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल। ये पॉन्ड में उन्होंने देखा था सबसे पहले लाइव सेल, और उस टाइम इन्होंने इन्वेंट किया था माइक्रोस्कोप को। यानी माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी एंटोन लियोन हुक ने की थी, यानी वहीं से सेल माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट हो जाता है। यानी बायोलॉजी में सारे टर्म्स को माइक्रो लेवल पे देखना ये स्टार्ट हुआ था। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी, तो कौन हो जाएंगे, एंटोन लियोन हुक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने नोट में इसको डाला है, फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी कौन, एंटोन लियोन हुक। उसके बाद डिस्कवरी होना स्टार्ट हो गया सारे ऑर्गेनल्स का, यानी सेल में जो जो ऑर्गेनल्स है। तो उसके बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई 1831 में, किन्होंने किया था, रॉबर्ट हुक, मैंने अंडरलाइन करके रखा उसको। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ये मैं बताता हूँ आने वाले थोड़े टाइम में बताता हूँ। प्रोटोप्लाज्म टर्म को पुरकिंजी नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट के बारे में जानना, पहले मैथियास लेडेन है, थियोडोरस वॉन। मैथियास लेडेन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को 1838 में दिया था, और नेक्स्ट है थियोडोरस वॉन 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था। इन्होंने क्या किया था, स्लेडेन एक्सप्लेन किया था कि जितने भी प्लांट्स है वो कैसे बने हुए हैं, प्लांट सेल से, और प्लांट सेल से ही सारे के सारे प्लांट की बॉडी बनी हुई है। स्वान ने क्या कहा था, स्वान ने कहा था कि सारे एनिमल्स एनिमल सेल से मिलकर बने हुए, लेकिन यहाँ स्वान का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा था। स्वान ने यह भी एक्सप्लेन किया था कि एनिमल सेल के चारों ओर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर इन प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है, बाकी किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। ये थ्योरी लेकिन इनकम्प्लीट रह गई। एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ वर्चो, उन्होंने पूछा कि आपने तो ये बताया कि ये सेल से, सेल प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये सेल्स आए कहां से। तो रुडोल्फ वर्चो ने वहां एक टर्म दिया, अ सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। वहां लैटिन वर्ड में बोला जाता है ऑमनी सेलुला ई सेलुला,
ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है अ सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो उन्होंने इस थ्योरी को कंप्लीट किया, रिप्रपोज किया और बताया 1855 में कि एक जो सेल होता है वो अपने पहले वाले सेल से बना होता है, यानी एक सेल ही दूसरे सेल को जन्म देता है। इस दुनिया में सेल की डाइवर्सिटी बहुत लार्ज है, यानी अलग अलग साइज अलग अलग शेप के सेल्स होते हैं। अगर आप बुक में देखो तो उसमें बहुत टाइप के सेल्स दिए हुए हैं, बोन सेल दिया हुआ है, एडिपोसाइट दिया हुआ है, नर्व सेल दिया हुआ है, ओवम दिया गया है, स्पर्म दिया गया है, तो ये सब अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। तो अगर देखें तो साइज के आधार पर भी सेल्स अलग अलग हैं। जैसे माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा सेल, दुनिया का सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए, दो क्वेश्चन आपके लिए जो कमेंट में बताओगे, इन्यूक्लिएटेड सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज कौन सा सेल है जो जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट का मतलब इन्यूक्लिएटेड कहते हैं उसको, और दूसरा लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ये दोनों आंसर आप कमेंट्स में दोगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं जो मैंने यहाँ नोट में लिखा है। यहाँ कुछ टर्म्स लिखे गए, साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, इन सबको मिलाकर सेल कहते हैं। आखिर उसमें कुछ कुछ टर्म बार बार आता है, उसको समझने के लिए मैंने ये बताया है। साइटोसोल, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, सोल सॉल्यूशन। अगर हम साइटोप्लाज्म को ले, उसके अंदर से न्यूक्लियस निकाल ले, ऑर्गेनेल्स निकाल ले, तो जो सॉल्यूशन जो लिक्विड बचेगा उसको साइटोसोल्स कहेंगे, साइटोसोल कहेंगे। वो साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल को मिलाकर साइटोप्लाज्म, अगर साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियस इंक्लूड होगा तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाएगा, अगर प्रोटोप्लाज्म के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूड होगा तो उसको प्रोटोप्लास्ट या एनिमल सेल भी कहेंगे, क्योंकि एनिमल सेल में भी सेल वॉल एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है, अगर इस प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल ऐड होगा तो वो प्लांट सेल कहेंगे। फंजाई में भी ऐसा होता है, फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, लेकिन प्लांट सेल वेल डेवलप्ड होता है, इसलिए प्लांट सेल का ही एक एग्जांपल लेके मैंने ये बताया आपको। नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। दुनिया में ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी जैसे सेल के साइज और शेप के आधार पे, उनके सेल के नंबर के आधार पे भी, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलर है यानी सिर्फ एक सेल से बने हुए, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो मल्टीसेलर है यानी बहुत सारे टाइप्स के सेल। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर देखा जाए तो जो सेल्स का नंबर है वो कितना है, 75 ट्रिलियन से 100 ट्रिलियन ऑफ सेल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है, एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में ब्लड वेसल कितने, हमारी ब्लड बॉडी में जितने ब्लड वेसल्स है अगर उसको निकालें तो हम पूरे अर्थ का 2 राउंड लगा सकते हैं। हमारी बॉडी में डीएनए कितने हैं, यानी सारे सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए अगर उसको निकाला जाए तो 600 बार सन के ऊपर जाया जा सकता है। तो इतना ज्यादा डाइवर्स ये फील्ड है बायोलॉजी और ये सेल चैप्टर। तो नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। अगर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना होगा, उसको यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, यूनि का मतलब सिंगल। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा नंबर ऑफ सेल से बना हुआ होगा उसको मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। इनमें जितनी भी एक्टिविटीज होंगी इन सेल यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में वो एक ही सेल करेगा, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेसेस बस एक ही सेल परफॉर्म करेगा। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में के अंदर वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं हर एक फंक्शंस के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, उस तरह। द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म इज वेरी सिंपल। एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल होता है, लेकिन फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे, क्योंकि उसको एक ही, उसके पास क्या है, एक ही सेल है। अगर उस सेल पे स्टडी करेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी करना है हमें, तो बस एक ही सेल के ऊपर स्टडी करना होगा, लेकिन उसके फंक्शंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे क्योंकि एक ही सेल सारा का सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर इसके अंदर देखे तो इस मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि हर एक काम के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, और लेकिन उसका जो बिहेवियर होगा वो सिंपल होगा, फंक्शन बहुत सिंपल होगा। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि हर एक सेल अलग अलग काम करने के लिए नहीं बटा है, एक ही सेल सारा का सारा काम करेगा, और इसमें हर सेल्स का अलग अलग रोल है। कुछ डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट में रोल प्ले कर रहा है, कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट में रोल प्ले कर रहा है, तो हर किसी सेल्स का अलग अलग काम बांटा हुआ। लास्ट स्टेप है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है बहुत सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में, खासकर बाइनरी फ्यूजन होता है बहुत कॉमन इसमें। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है आपने पढ़ा होगा, बाइनरी का मतलब इक्वल, फ्यूजन मतलब टूटना, यानी जब एक सेल दो इक्वल पार्ट में टूट जाए, फ्यूजन मतलब टूटना, टूट जाए, तो इसको कहेंगे बाइनरी फ्यूजन, और वो जनरली यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। बैक्टीरिया, फंजाई, फंजाई के जितने भी मेंबर्स होते हैं सबके सब मल्टीसेलर होते हैं, बस एक को छोड़ के ईस्ट, इसलिए मैंने एक ही लिखाया। नेक्स्ट है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन काफी कॉम्प्लेक्स होता है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, फर्टिलाइजेशन, इंसेमिनेशन, इम्प्लांटेशन आपने सुना होगा, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन अगर कंपेयर करो इससे। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, ये इसका एग्जांपल है। तो यही था हमारा डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल।
जैसा कि पहले नेम में देखेंगे प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियो वर्ड आया है कैरियन से जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी वैसे सेल्स जिसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, और यू का मतलब ट्रू, यानी वैसे सेल्स जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस हो। तो ये एक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। सबसे पहला साइज का डिफरेंस, जनरली प्रोकैरियोटिक सेल 1 to 10 माइक्रोमीटर के ही साइज में आते हैं और यूकैरियोटिक सेल 5 to 100 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10^-6 मीटर, इस चीज को आपको याद रखना। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, तो ये न्यूक्लियस टोटली साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होगा और इसका कोई बाउंड्री फिक्स नहीं कर सकते कि न्यूक्लियस कहाँ तक है उसके अंदर। और यूकैरियोटिक सेल में ये चीजें फिक्स होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है। इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप होता है और इसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप होता है। ये राइबोसोम के दो टाइप्स है, बस आपको टाइप नहीं याद रखना है। प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, यानी दुनिया के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक नहीं कह सकते, लेकिन जितने भी प्रोकैरियोटिक होंगे वो यूनिसेलुलर ही होंगे। और यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। एक एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे अमीबा, अमीबा एक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कोई भी बैक्टीरिया को देख ले वो सब यूनिसेलुलर भी और साथ साथ प्रोकैरियोटिक भी है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, यानी इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा, एसेक्सुअल, यानी जिसमें दो पैरेट का इन्वॉल्वमेंट या गैमेट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, और इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके का होता है। इसमें ऑर्गन्स जनरली एब्सेंट होते हैं, वैसे ऑर्गन्स जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी जिनके चारों ओर मेम्ब्रेन होते हैं, वैसे ऑर्गन्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट और यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है जो कि ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता, उसको प्लाज्मिड भी कहा जाता है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जैसे हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के एक सेल में कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर। नेक्स्ट है सेल डिवीजन अकर बाय बाइनरी फिजन, ये पहले बताया था मैंने कि इनमें जनरली बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब इक्वल, यानी जब एक सेल टूट कर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए इसको बाइनरी फिजन कहेंगे। और प्रोकैरियोटिक सेल में जनरली इसी टाइप का डिवीजन पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मियोसिस और माइटोसिस नाम का डिवीजन है ये पाया जाता है। इस चैप्टर क्लास में हम पढ़ेंगे कि मियोसिस का क्या है और माइटोसिस क्या है। इसका जो एग्जांपल है सिर्फ बैक्टीरिया हो गया, यानी पूरा बैक्टीरिया का फैमिली, पूरा मोनेरा फैमिली, वो सब प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होगा। उसके अलावा जितना है फंजाई, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्ट, वो सब आ जाएंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर। सेल वॉल, सेल वॉल एक डेड मटेरियल है जो कि किसी भी प्लांट के आउटर कवरिंग में पाया जाता है। सेल वॉल एब्सेंट किस में होता है, एनिमल सेल में। एनिमल सेल में सबसे पहले हम लोग सेल थ्योरी में पढ़े थे इस बात को कि एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, और बाकी में प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, एल्गी हो गए, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल एक फ्रेम प्रोवाइड करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है एक सेल के चारों ओर, यानी उस सेल को बचाता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स है उनका जो सेल वॉल है वो अलग अलग मटेरियल से बना होता है। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है, ये मटेरियल इसका नाम है, ये सबका अलग अलग नेम है। एल्गी या फिर प्लांट्स, ये दोनों का सेल वॉल सेलुलोज से, और कुछ भी और भी बहुत मटेरियल्स होते हैं, हेमी सेलुलोज। फंजाई, फंजाई काइटिन से बना होता है, तो इसको आपको याद रखना है कि किनके सेल वॉल का मटेरियल क्या है। किसी भी सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, इट गिव्स शेप टू द सेल, यानी किसी भी सेल को शेप देने। जनरली हम लोग प्लांट सेल देखते हैं तो उस प्लांट का जो शेप होता है वो सेल वॉल ही उसको प्रोवाइड करता है। दूसरा, सेल को प्रोटेक्ट किया जाता है किससे, मैकेनिकल डैमेज से, यानी वो सेल डैमेज ना हो पाए किसी स्ट्रेस के कारण, ये सेल वॉल उसको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है सेल वॉल हेल्प्स सेल टू सेल इंट्रैक्शन, यानी सेल को सेल से इंट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करता है। ये थोड़ा सा अटपटा है जानने में, बस याद रखो कि सेल वॉल एक नहीं होता, सेल वॉल तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल। ये हायर क्लासेस में पढ़ने, लेकिन इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं बताने वाला हूँ इस आपको। जनरली सबसे आउटर लेयर प्राइमरी सेल वॉल का होता है, उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होता है, तीसरा है टर्शियरी सेल वॉल जो जिसको मिडिल लैमेला कहते हैं। अगर हम दो सेल्स को देख रहे हैं तो दो सेल्स आपस में अटैच होंगे उस मिडिल लेयर से, यानी टर्शियरी सेल वॉल से, तो इसलिए कहते हैं सेल टू सेल इंट्रैक्ट करने में भी हेल्प करता है। दूसरा, यह सेल वॉल किसी बड़े मॉलिक्यूल को सेल के अंदर घुसने से बचाता है, ये भी इसका फंक्शन है। तो यही था हमारा सेल वॉल।